नमस्कार, आपका स्वागत है हल्द्वानी लाइव डॉट कॉम में। और आज एक बार फिर हमारे साथ उत्तराखंड के एक ऐसे शख्स हैं जो विदेशों में उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं स्वागत करूंगा शेफ टीकाराम सिंह का, जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं और पिछले कई वर्ष से विदेशों में हैं। और हमारे जो पहाड़ के जो उत्पाद है, जो पहाड़ों में होते हैं, उसको काफी फेमस इन्होंने किया है। पिछले दिनों हल्द्वानी लाइव डॉट कॉम जो हमारी वेबसाइट है, उसमें भी हमने टीकाराम जी की स्टोरी की थी। काफी लोगों ने लाइक भी किया था और काफी पढ़ी गई थी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आपने टाइम निकाला और आप हॉलैंड में रहके उत्तराखंड के लोगों का नाम रोशन कर रहे हो। सबसे पहले मैं हल्द्वानी लाइव के दर्शकों का और आपका हृदय से अभिवादन करता हूँ और सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। टीकाराम जी, आप पहाड़ से हैं और उत्तराखंडियत आपके बोलचाल में रहती है, तो इसी वजह से आप हमें कनेक्ट भी हुए हैं। किस तरीके से शुरुआत हुई और अभी आप कहाँ हैं और कहाँ बिल्कुल अपने जो हाथों का आपका जो जादू है वो बिखेर रहे हैं? जी, सबसे पहले मैं दिल की असीम गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ हल्द्वानी लाइव का, जिन्होंने हमको अपना मंच दिया। अदरवाइज ये कि लोगों के अंदर प्रतिभा तो होती है, पर प्रतिभा को अगर कोई मंच देगा तो तभी तो आदमी आगे बढ़ेगा। क्योंकि क्या बोलते हैं कि जंगल में मोर नाचा तो किसने जाना, क्योंकि जब हम परफॉर्मेंस करेंगे, जब हमको कोई मंच ही नहीं देगा तो कौन देख ही नहीं पाएगा। तो मैं दिल की असीम गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप छोटी छोटी प्रतिभाओं को अपने बड़े मंचों तक ले जाते हैं, तो प्रतिभा निखर के आती है। तो मैं ये कि ज्यादा न कहकर ये बताता हूँ कि मेरी जो शुरुआत है, तो आपको पता है कि पहाड़ों में कि इतने भी अमीरी या कुछ भी ये नहीं है, तो पहाड़ों में एक सिंपल लाइफ। तो हमने शुरुआत जैसे अभी आजकल मैं तो यही बोलता हूँ कि जब हम होटल इंडस्ट्री में, तो हम यहाँ जैसे मैं अभी नीदरलैंड में, तो यहाँ पे हर रेस्टोरेंट में तीन चार बंदे अपने पहाड़ के मिल जाते हैं उत्तराखंड के। तो बहुत सारे लोग अदर स्टेट के लोग पूछते हैं उत्तराखंड के लोग इतने ज्यादा क्यों होटल लाइन में। मैंने बोला भाई अभी हमारी मोनोपोली है मार्केट में, वर्ल्ड वाइड है। मैं बोला भारत में नहीं, वर्ल्ड वाइड मोनोपोली हो गई है, हमारे इशारे पे होटल इंडस्ट्री चलती है। तो बोला सबसे पहले सबसे कुछ कुछ साल पहले आपने एक मडुए से मिला जुला कोई प्रोडक्ट बनाया था, वहां खिलाया था लोगों को, काफी मैं देख रहा था कि बहुत फॉरेनर्स भी लाइक कर रहे थे। उसके बारे में कुछ बताइए कि मडुआ आपने पहाड़ से हॉलैंड में कैसे पहुंचा दिया? जी बिल्कुल, जो मैंने ये कि मैं अपनी जो शुरुआत है वो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने जो शुरुआत की होटल इंडस्ट्री 2008 में की, जो मैनेजमेंट करके इंडिया में थोड़ा काम करे आदमी, जो जो भी काम करा थोड़ा स्ट्रगल करके करता, बट बाद में उसका वो शौक बन जाता है। तो मैंने वो 2010 में मैं दुबई गया, तो मेरे को पहाड़ का मतलब उस टाइम पे मैं छोटा ही था, मेरे को कुछ पता नहीं था वो कि एज ए की, क्योंकि एक अपना प्लेटफॉर्म बनाना है कमाई का जरिया जो भी है रोजगार जो हम काम कर रहे हैं। तो धीरे 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 मेरे को जब 2017-16 आया तो मेरे को लगा यार, क्योंकि मैं 5 सितारा होटल में काम कर रहा, तो 5 सितारा होटल में बहुत कुछ सीखने को मिला। तो हमने देखा यहाँ पे लाल चावल है, ये जो हमारा मंडुआ है इसको इंग्लिश में ये बोलते हैं, इसका ये फायदा है, बहुत सारे पढ़ाई की इसका। मैंने बोला ये चीज तो हमारे यहाँ मतलब गाय भैंस खाती है। नहीं, मैं वही वही प्रश्न पे आ रहा हूँ, गाय भैंस का, क्योंकि मेरे को ये प्रश्न किसी ने मसूरी में किया था 2019 में, 26 दिसंबर 2019 को एक विंटर लाइन कार्निवल्स फेस्टिवल चल रहा था मसूरी में, मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। हमारा जो फूड था पूरा पहाड़ी था, वो जो बुरांस और जंगोरे की फिरनी, उसमें अवार्ड अवार्ड मिला हमको, अवार्ड भी मिला बेस्ट टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से। तो वहां पे लोग जो उत्तराखंड के लोग वो साइड में, अबे ये हमारे गाय भैंस खाते। मैंने सीधा बाहर गए, मैंने बोला आंटी जी अगर आपके गाय भैंस खाते वो कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, क्योंकि क्या बोलते घर की मुर्गी दाल बराबर। क्यों इम्पोर्टेंस ही बताया ना पहाड़ के लोग, इम्पोर्टेंस ही बताया उसकी मार्केट में कितनी इम्पोर्टेंस है। हाँ, वो पहाड़ के लोग खुद इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे थे, वो सबके सामने बोल रहे, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग फॉरनर्स लोग या दिल्ली से आ रहे थे, बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे थे। विंटर लाइन कार्निवल छोटा फेस्टिवल नहीं है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, वो 3 दिन का होता है। तो मसूरी में वो ऐसे मेरे को बहुत बहुत ठेस पूछी मन में, मैं बोला मैं इतना सब कुछ करके छोड़ छाड़ के ये करो तो अपने लोग ये सिला दे रहे मेरे को। तो मैंने उनको समझाया पब्लिक के सामने ऐसा नहीं बोला जाए, क्यों अभी पोस्ट ये तो हमारा पौष्टिक फूड है मिलेट्स, जो मैं लोगों को यही समझाता हूँ यहाँ पे कि वो बोलते ये मिलेट्स क्या है, फिर उनको
मैंने हमारे रेस्टोरेंट में यहाँ बड़े बड़े फोटोज लगी हुई है, तो मैंने उसको यहाँ की लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करेगा, इंग्लिश में भी लिखा हुआ, इसका ये फायदा है। मैं यही बोलता था कि हमारा जो आजकल का जो इन्वायरमेंट है, कि पहले हमारे जो पुराने बुजुर्ग लोग अभी भी गाँव में मिल जाएंगे, तो जो वो स्टेपल फूड है, जो मिलेट्स फूड है, जो मिलेट्स फूड तो इंग्लिश में होगा, मैं साधारण भाषा में बोलता हूँ, जो हमारे कोदो मोटा जंडो नजर। मारछू मोटा अनाज है, हाँ उसको खा के लो, क्योंकि उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कम थी, प्लस उस टाइम पे ये अभी इंटरनेट वगैरह कुछ भी नहीं था, वो इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है, उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, और जो मतलब अपने खेतों में उत्पादन होता था वही खा के, आज भी वो लोग अभी तक मेरे देखने में लोग अभी जिंदे। आजकल क्या है, फास्ट फूड की व्यवस्था है, तो इन लाइफ भी फास्ट फूड हो गई, अब सब चीज फास्ट हो गई। क्रिकेट पहले टेस्ट होता था, 50 ओवर का होता, अब 20 20 में लोग मजे ले रहे। ठीक है राम जी, शुरुआत कैसे हुई? आप उत्तराखंड में कहाँ के रहने वाले हैं, क्या गांव का नाम है, और कैसे जी जी बिल्कुल आप कैसे जी पहाड़ को जोड़ पाए विदेश में? जी मैं हमारा गांव ठांडी कमद है, पोस्ट ऑफिस भी है, हमारा जो ब्लॉक डुंडा है, और उत्तरकाशी से मैं बिलोंग करता हूँ। और मैं पहाड़ से, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं सेम जैसे लोग, जैसे उत्तराखंड में है ही है ना, अभी वो हॉस्पिटल इंडस्ट्री होटल लाइन में जो लोग भाई लोग हैं वो 70% से ऊपर ही होंगे, तो हम भी उसी भीड़ में है, तो मैंने बोला कुछ ना कुछ अलग किया जाए। तो मेरा ये था कि अगर हमको पहाड़ में रोजगार मिल जाए, तो जैसे ये लोग कर रहे हैं, तो हम क्यों ना कुछ कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं ये कि मैं 18 तक दुबई में काम किया, वो ली मैरिडियन होटल है, उसमें मैंने काम किया, फिर मैं वापस आई, क्यों ना कुछ अपने पहाड़ के लिए किया जाए। तो हमने एक संस्था है, जाड़ी संस्थान है, उनकी सहायता से एक स्टोर खोला गढ़ बाजार के नाम से। आजकल जैसे गढ़ भोज का बहुत प्रचलन है ना आजकल, तो मैं भी उसका हिस्सा था, तो वहां पे हमने खोला, बहुत बढ़िया चल रहा था, हमने किसानों को अच्छी आय दी, बहुत बहुत अच्छा आय हो रही थी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं शिकायत नहीं करूँ कि अच्छी आय नहीं हो रही थी। उसमें मेरे भाई हैं, उनका नाम देव सिंह पंवार है, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया वहां पे। और 2018-19 गया, फिर हमने एक विंटर लाइन कार्निवल फेस्टिवल किया, क्योंकि भगवान ने हमको हुनर दिया, तो हम जब पहाड़ी उत्पाद बेच रहे तो उसको बना भी तो सकते हैं, तो वो फिर हमने मसूरी में वो कार्यक्रम किया, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर हम ऋषिकेश में गए, तो फिर उसके अभी बाद अभी अभी आप जैसे पहाड़ में, तो आपको पता ही है कैसे कल्चर है, क्या खान पान है, और जी कितने हमारे जो मडुआ है या तमाम जी सब्जियां हैं या जो भी है उसकी इम्पोर्टेंस हमें पता है। अब कैसे ये प्लान आउट किया आप कि यार मैं हॉलैंड में रहता हूँ तो पहाड़ की चीजों को यहाँ परोसूंगा, और क्योंकि काफी उत्तराखंड के लोगों ने भी आपसे कनेक्ट किया था, लेकिन जो वहां के लोकल लोग हैं वो कितने उत्साहित रहते हैं कि यार ये एक नई चीज है, बड़ी मतलब हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज है। जी बिल्कुल, मैं उसी स्टोरी में आ रहा था, थोड़ा स्टोरी थोड़ी लंबी जा रही, बस ये कि थोड़ा समय की भी पाबंदी होती है, नहीं, तो मैं ये संघर्ष बढ़ा है तो बोलना स्टोरी बढ़ी है आपकी, कोई दिक्कत नहीं। जी, मैं वही स्टोरी पे आ रहा था कि मैं जो बता रहा था कि हमने वहाँ मसूरी में किया, फिर ऋषिकेश में किया, फिर उसके बाद सरकारी प्रोग्राम जो होते हैं बहुत सारों में किया, फिर उसके बाद योगा फेस्टिवल आया, योग फेस्टिवल ऋषिकेश में होता है, वो 3 दिन का होता है, तो मैंने वहां पे भी किया। वहां पे बुरांस की लस्सी इतनी फेमस हो गई कि सब लोग चट कर गए वहां पे, यार बुरांस तो खाया हमने पर बुरांस की लस्सी नहीं पी। मैं बोला ये सब इनोवेटेड थी चीज है, तो अगर आपने आप जो हॉलैंड में शुरू किया उसका पहले एक्सपेरिमेंट उत्तराखंड में कर लिया मैं उत्तराखंड में उससे पहले बहुत कर दिया था, उत्तराखंड में लोगों ने था? बहुत अच्छा, अप्रिशिएट किया। हाँ मैं ये बोलूं कि मेरे को यहाँ आने को मैं क्यों मजबूर हुआ, क्योंकि कोविड आ गया था, कोरोना आया ना, तो हम तो छोटे चीज है, बड़े बड़े उनकी हिला दी थी कोरोना ने, क्योंकि मेरे पास भगवान की कृपा से हुनर था ही, तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैं 2021 में हॉलैंड आया, पर मैं हॉलैंड आया पर मेरा दिल हिंदुस्तान में था, अपने उत्तराखंड में था, कि वो चीज जो मैं कर रहा था, पर मैं उससे मतलब अभी तक भी मैं मतलब उबर नहीं पाई कि मेरे को ये करना ही है, तो मैं बोला चलो अपने आजीविका के साथ साथ ये चीज। फिर मैंने धीरे धीरे यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे एक रेस्टोरेंट ओपन किया, तो उन्होंने बोला कि आप आजाद हो, यू आर फ्री, आप कुछ भी डालो मेनू में, नो प्रॉब्लम। मैं बोला एक्सपेरिमेंट के अच्छा तौर पे मैंने सबसे पहले जो मंडुआ होता है ना उसका पपड़ी चाट डाला, वो फेमस है, अच्छा अभी भी फेमस है, बहुत फेमस है। फिर मैंने थोड़ा दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, फिर तीसरा किया, फिर
चौथा किया, अभी हमारे मेनू में कम से कम 12-13 आइटम है। अगर आपको फोटो चाहिए मैं उसका मेनू का फोटो भी बता दूंगा कि उसमें कौन मैंने कौन अलग, से कौन कौन से रखे हैं आपने, क्या क्या रखा है? जैसे मंडुआ तो आपने बताया, उसके अलावा क्या क्या रखा है? उसमें उसमें लिखा हुआ है रखा हुआ है जो झंगोरा हमारे यहाँ होता है, पर मैंने झंगोरा नाम ब्रैकेट में रखा हुआ क्योंकि सबके समझ में नहीं आता। उसको इंग्लिश में बार्नेड मिलेट्स बोलते हैं, ओके बार्नेड मिलेट्स पुडिंग के नाम से रखा हुआ है, और बार्नेड मिलेट्स रोज पुडिंग बोलते हैं उसको, वो उसके नाम पे जी रखा हुआ। जी, उसके नाम पे रखा हुआ। फिर उसमें डिफिनेशन दे रखी है, तो लोग, अब मैंने वो भी किया है कि अगर किसी की समझ में नहीं आए, डिफिनेशन दे रखी है डिस्क्रिप्शन में दे रखा, फिर हाँ उसके अंदर उसका फोटो खींच के उसको वॉल पे, वॉल पे उसका फोटो लगा रखा, तो लोग बोलते हैं उसका, फिर उसके बारे में लिखा हुआ कि ये क्या है, फिर लोग पूछते हैं ये क्या है, मैं बोला ये लोग समझ जाते हैं। मैं बहुत सारी चीज की मैंने बोला, हमारे पूर्वज ये खास खाते थे तो लोग पहले इतना स्वस्थ थे, वो बोले बिल्कुल है। मैं बोला हम हमेशा हाथ से खाना खाते हैं, बोलता हाँ बिल्कुल, आज से 400-500 साल पहले चम्मच का आविष्कार थोड़ी हुआ था। मैंने कहा तो वो बोले बिल्कुल सही है, पर आजकल समय बदल चुका है, तो हम कन्विंस करते रहते। तो वो मैं आपको जो मेनू में मैं बताता हूँ, तो मैंने वो कैसे बनाया, वो अपने पहाड़ की जो इंग्रेडिएंट्स है उनको लेकर और उसमें फ्यूजन में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे यहाँ पे इटालियन फूड है उसको, जैसे कुछ भी है इंडिया में भी आर्चनी बोलते हैं, जैसे गोल गोल, जैसे हमारे यहाँ कुछ भी गोल गोल उसको फ्राई करके बनाते हैं। अगर मैं वो पुराने पुराने स्टाइल से रखता तो कोई भी पसंद नहीं करता, तो वो नाम इटालियन दे दिया, इंग्रीडियंस अपने, और प्लस ब्रैकेट में उसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। जैसे बार्नेड मिलेट्स आर्चनी बोलते हैं उसको, वैसे आर्चनी होता है वो इटालियन में, तो उसको हमने फ्यूजन दिया है। तो मैंने इंडियन भी किया, जो हमारे रागी, रागी बोलते हैं उसको साउथ में मंडुआ को, और फिंगर मिलेट्स बोलते हैं इंग्लिश में, तो फिंगर मिलेट्स पापड़ी चाट, जैसे हम शहर में जाते हैं हाँ भाई पापड़ी चाट खाना, जब मैदा से पापड़ी चाट बन सकती है तो हम क्या ये अपने कोदा मंडुआ से चाट नहीं बना सकते। तो और जैसे हम शहरों में जाते तो समोसा चाट खाते, तो हमने मंडुआ समोसा चाट रखा हुआ। तो मतलब आपने तो अपने मेन्यू में 12-15 चीजें जो है उत्तराखंड के रिलेटेड डाल दी। हाँ बिल्कुल, हमारे मेनू में मैंने लिखा हुआ स्पेशली हेल्थी कॉर्नर के नाम से अलग से एक चार्ट है, उसमें हेल्थी कॉर्नर है वो। तो आपको अभी मैं ये बोलूँ कि बहुत बड़ी बात है, कि बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भारत सरकार को जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि ये जो मिलेट्स ऑफ द ईयर, मेरे को बहुत ऊर्जा मिली उससे, मेरे को बहुत ऊर्जा मोटा मिली। अनाज क्यों? उत्तराखंड, उत्तराखंड में कई आयोजन भी हो रहे हैं, श्री अन्न आयोजन, झुलसा महोत्सव हो रहे हैं, जी इसीलिए। बिल्कुल, जी बिल्कुल, उसका आयोजन भी हो रहे हैं, प्लस ये कि अभी पूरे वर्ल्ड के स्तर पे भी हो रहा है, कि G20 में तो हर जगह, अभी मेरे को यही हॉलैंड में एम्बेसी से 2 बार, अपने एम्बेसी में भी उत्तराखंड के लोग हैं, वो अपने कुमाऊं से बिलोंग करते हैं, उन्होंने मेरे को कॉल किया। मैंने बोला अभी तुम, मेरे पास समय नहीं है, तो शायद 26 जनवरी में हमारा एक आयोजन है यहाँ पे मिलेट्स के ऊपर, पर हमारा उसमें हमारा ये भी आएगा पहाड़ का फूड, उसमें हमारा वो पूरा, पहले उन्होंने 2 बार कॉल किया था मेरे को, बट मैं बहुत व्यस्त था, मैं नहीं जा पाया, पर मैंने बोला कि मैं छब्बीस तो जनवरी को अभी टीकाराम जी, जैसे अभी जो जो आप बनाते हैं पहाड़ में, लोग सुनते हैं, जानते हैं गांव में, उत्तरकाशी में, तो वहां से कॉल जी करते हैं तो क्या क्या बोलते हैं कि यार तुम तो यहाँ विदेशों में तो तुमने डंका बजा दिया उत्तराखंड के भोजन का? देखो देखो पंकज जी, एक्चुअली क्या होता है, जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं लोग आपकी मजाक करते, मेरा बहुत मजाक उड़ा, बहुत मजाक, अभी मैं फील करता हूँ कि मेरा बहुत मजाक, अरे क्या यार क्या, ऐसे बोलते, अब बट वही तो, मैं क्या वो यार, अब वही बोलते होंगे क्या यार। हाँ तो वही मैं बोला, मैं उस मजाक की परवाह नहीं करता, अपने काम करते जाता हूँ। लोग क्या ने, लोग तो, लोगों ने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, तो हम तो एक तुच्छ इंसान है। तो टीकाराम जी, अब जैसे अब जिस तरीके से आपने कहा कि जो पहाड़ के उत्पाद हैं उनको बहुत महत्व दिया जा रहा है, भारत सरकार और राज्य सरकार काफी योजनाएं भी लाई है, कितना अच्छा ये विदेशों में हो रहा है? क्योंकि जितना, जैसे आपने अभी बताया कि आपका जो मेन्यू है उसमें 12-13 चीजें पहाड़ की हैं, इसी तरीके से कई ऐसे लोग हैं जो पूरे यूरोप में और बोल सकते हैं कि अमेरिकन कंट्रीज में काम कर रहे हैं, तो कितना लाभदायक है ये उत्तराखंड की पहचान के लिए? क्योंकि अब हमने नारा भी दे दिया है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक रहने वाला है।
अब भाई जी सबसे है। पहले क्या था, जब 92-93 में एक आंदोलन चला था कि कोदा झंगोरा खाएंगे और उत्तराखंड बनाएंगे, सुना होगा आपने शायद। ओके। एक नारा था जब उत्तराखंड अलग करने की मांग चल रही थी, तो था कि कोदा झंगोरा खाएंगे। ये जो आज का नारा है, पहले का नारा है, वो अभी चरितार्थ हो रहा है। ओके। और ये कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने, मतलब धन्यवाद कोरोना का भी करूंगा। अगर कोरोना नहीं आता तो ये चीज आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि कुछ चीज के फायदे भी होते हो, नुकसान भी होते। जैसे बिजली है ना, बिजली का फायदा भी और नुकसान भी। अगर प्रकाश दे दे तो फायदा है, अगर किसी को शौक लग गया तो लगे शौक ये लगे तो नुकसान। नुकसान। हाँ, क्या बोलते हैं कि विज्ञान, और विज्ञान अभिशाप भी है और वरदान भी है। तो जैसा कोरोना ही बात हो, कोरोना को हम निगेटिव लिया है। अगर ये कोरोना नहीं आता तो कभी भी मोदी जी, हमारे जो प्रधानमान्य प्रधानमंत्री, वो कभी नहीं बोलते कि जो मिलेट्स है उसको बढ़ावा दो। क्यों? मिलेट्स के अंदर इतनी इम्यूनिटी है, जिसने मिलेट्स खाया कोरोना ने उसका बाल बांका भी नहीं कर पाया। प्लस अभी उन्होंने ये कि यूएन में 73 कंट्री उसको फॉलो कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर जब रहे भी हैं। जी। और प्लस उसका जो होस्ट है वो भारत का है, उसके जो लीडिंग है वो भारत का है। प्लस हमको भी बहुत अच्छा, हम 2017-16 से ये कर रहे हैं, ये कोई सुनने वाला नहीं है, बोलो गाय भैंसों का। अब जब बड़े लोगों ने बोल दिया तो वो बोले हाँ बिल्कुल, ये बेवकूफ नहीं थे, हम ही बेवकूफ है जिन्होंने इनकी आलोचना की। मैं यही तो मानता हूँ अभी अभी जब पहाड़ में बच्चे मिलते हैं आपसे, आप बच्चों को बताते हो, या जो भी जी जी युवा इस फील्ड से, आपके फील्ड से है, तो जी उसको जी क्या आप राय देते हो कि किस तरीके से वो आगे बढ़े? क्योंकि जब आप लोग ने शायद ये सफर शुरू किया था तब कोई जानकारी भी नहीं थी। अब तो शायद बिल्कुल हर घर को पता है कि मंडुआ पहाड़ में बिक रहा है, पहाड़ से निकल के जो महानगरों के बाजार है उसमें पता नहीं कितने रुपए का बिक रहा है। सर, मैं यही बात कर रहा हूँ कि पहले हम गाय भैंसों का चारा होता था मेरे सामने। मैं 2021 में, तो खैर इधर अभी तो मैं इंडिया गया नहीं, अभी आ रहा हूँ 2-4 दिन में, तो मेरे सामने वो चीजें लोगों ने और बोनी शुरू कर, क्योंकि मंडुआ, चंगोरा, कौणी जिसको फॉक्सटेल मिलेट बोलते हैं, और कौणी पता है ना, कौणी बोलते हो शायद आपके इधर उसको, कौणी। हमारे यहाँ भी कौड़ी बोलते हाँ, हैं। और एक दूसरी भी चीना, चीना चीना, हाँ, चीना को प्रॉन शायद कुछ और टॉक्टोरिया, बोलता है। हाँ हाँ, उसको कुछ और बोलता है। वो हिंदी में भी चीना ही बोलते हैं। क्योंकि मैंने मिलेट्स पे बहुत काम, मेरे को मतलब 8-10 मिलेट्स पे मैंने रेसिपी बना रखी, अलग अलग मिलेट्स, एक नहीं अलग अलग। तो अगर मैं अभी मैं आपको वीडियो भेजूंगा या फोटो भेजूंगा तो आप को मैं लिखू, क्योंकि मैंने हर एक रेसिपी पे बहुत गहराई से काम किया है। अब टीकाराम जी, किस तरीके से आपको लगता है कि जो उत्तराखंड का जो आप मिलेट्स की बात कर रहे हैं, हम लोग मोटे अनाज की बात कर रहे हैं, किस तरफ जा रहा है? क्योंकि काफी वक्त ले लिया मैंने आपका। नहीं और नहीं किस नहीं तरीके से आगे, बात किस तरीके से आगे बढ़ेगा? क्योंकि अब बात ये आ गई है कि हमें मतलब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छा खाना खाना है। अब ये टेंडेंसी आ गई है, लोग अब पहले के मुकाबले फास्ट फूड पर निर्भर कम रहने लगे। जी बिल्कुल, वक्त की तो कोई पाबंदी नहीं है, पर लेकिन ये है कि जो आप बोल रहे कि हमको किस तरह से इम्यूनिटी बढ़ा, हमको तो इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत, क्योंकि अगर हम गांव में रहते तो हमारे वो रोजमर्रा की चीज है, वो तो कभी ना कभी हफ्ते में, क्योंकि डॉक्टर बोलते कि हफ्ते में एक बार मिलेट्स लिया करो। हमारा 2-3 दिन में कोदा की रोटी तो चलती है घी डाल के, पर आज के बच्चे नहीं खा रहे ना। पर जब लोग एजुकेटेड हो रहे तो तब पता लग रहा है। क्योंकि अब देखो मैं क्या बोलता हूँ, इनोवेशन होना जरूरी है कि नहीं है? अगर इनोवेशन नहीं होगा तो, क्योंकि अगर मंडुआ की रोटी के ऊपर आप घी डाल के खाओगे तो आपको तो अच्छा लगेगा, पर जो बच्चे वो बोले अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसमें उनको टेस्ट उसमें फेल नहीं कर पाएंगे, टेस्ट हाँ फेल नहीं कर हाँ पाएंगे। हाँ तो मैं वही तो बोल रहा, इनोवेशन उसको फ्यूजन में करो। कभी नमकीन बनाओ, कभी उसके चिप्स बनाओ, कभी उसका मोमोज बनाओ। क्योंकि मैं यही बोल रहा हूँ कि मेरा मेरा भाई है, मेरा बड़ा भाई, उनका नाम देव सिंह पंवार है, उन्होंने मेरा काफी सहयोग किया। वो अभी इंडिया में है, उनने बोला भाई मैं, आप तो जा रहे हो, क्योंकि थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। अभी हमने बुरांस कैफे नाम से एक रेस्टोरेंट उत्तरकाशी में खोला है, भगवान की कृपा से बहुत बढ़िया चल रहा है और बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। और मैंने नाम बुरांस कैफे भी दिया, उसके अंदर हमारा ओनली उत्तराखंड का उत्पाद मिलता है, और थोड़ी बहुत और चीज मिलती, बाकी मतलब 70% उत्तराखंड के कंडाली के मोमोज,
और लिंगुड़ा के, लिंगुड़ा पता होगा आपको, फिडल हेड फार्म, हाँ लिंगुड़ा। हाँ जी हाँ लिंगुड़ा वो सीजन में मिलता है, बट हमने क्या किया, सीजन में बहुत लिंगड़ा इकट्ठा करके काट के उसको ड्राई करके स्टोर कर दिया है। फिर अभी आपको साल भर में हर दिन लिंगुड़ा के मोमो मिलेंगे, और बुरांस के मोमो, बुरांस के पत्ते हमने सुखा के फिर उसके अंदर स्टफ डाल के कलर भी, वो आपको 3 कलर में मोमोज मिलेंगे, और मंडुआ की नमकीन मिलेगी। मतलब हमारे बहुत बढ़िया चल रहा है, ये कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लाया हमने। मैं तो खैर यहाँ पे चलिए बैठ के ठीक इंस्ट्रक्शन देता। है राम जी, आपने बहुत, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत चीज मैंने भी जानी, और जी जो हमारे दर्शक जी होंगे उनको भी पावर पता लगी होगी, पहाड़ के उत्पादों की पावर जो विदेशों में हो रही है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद मैं ये कर रहा हूँ, जैसे आपने बताया आप उत्तराखंड आने वाले हैं तो आपसे मुलाकात होगी, और आपके जो हाथ का जादू है वो हमें भी पता लगे, हमें भी टेस्ट पता लगे। तो जरूर 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 सर, मैं इस दिवाली में और अगली दिवाली, एक दूसरी दिवाली होती है हमारे जो देवी बूढ़ी देवताओं की, दिवाली, मंगसी दिवाली, दिवाली बोलते हैं उसको, चंद्राष्टमी मनाई जाती है। आई होप उसमें ये जी, कि मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं इसीलिए छुट्टी फिक्स करके आया कि वहां पे भी हम उत्तराखंड का कुछ फेस्टिवल लगा के लोगों को फिर से रूबरू कराएं। और प्लस हमारे मसूरी में वो दिसंबर को ये एक मेला लगता है विंटर लाइन का, वहां पे भी मेरा सोच रखा है, थोड़ा बात भी हो रही है कि वहां पे भी। मेरा यही है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हम भगवान की कृपा से, हमको भगवान यहाँ पे दे रहा है, बहुत कुछ दे रहा है हमको। हमको ये कि हमें जो हमारा पहाड़ से प्यार है, लगाव है, और आने वाली पीढ़ी को हम यही संदेश दें कि आप जहां भी रहो अपने तंदुरुस्त रहो। पहाड़ को मत, तंदुरुस्त भी रहो अपने पहाड़ को मत, हो जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीय सी। तो ये कि हमको अपने माटी से प्यार है, तो ये ऑब्वियसली है कि ये कि हम कहीं भी रहे पर हमेशा अपना भारत अपने दिल में, दिल में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब दर्शकों, आपने टीकाराम जी को सुनाया सुना और उन्होंने काफी चीजें बताई। उम्मीद यही है कि आप सब टीकाराम जी जो हॉलैंड में रहकर उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं, काफी कुछ उनसे सीखने को मिलेगा। वहीं अब वो उत्तराखंड आने वाले हैं, कई फेस्टिवल में रहेंगे, हिस्सा लेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि जो जो ये वीडियो देख रहा है और कई लोग, क्या मैं चाहता हूँ कि काफी लोग उनसे मिले ताकि काफी कुछ इस इंडस्ट्री के बारे में पता लगे। तो टीकाराम जी बहुत बहुत धन्यवाद, अब आपसे उत्तराखंड में धन्यवाद मुलाकात धन्यवाद। करेंगे।